तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज जीआई ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड, सो दैट वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी के सारे पार्ट्स तक उसके न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके, है ना। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जो डाइजेशन करवाता है ना, ठीक है। और डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, ताकि पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जीआई ट्रैक प्लस एसेसरी ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक प्लस एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस मैम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स आएंगे? माउथ, देन ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ साथ क्या एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड सेलिवरी ग्लैंड। दीज आर द एसेसरी जिनके थ्रू सिक्रीशन आता है और हमारे मेन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाता है, दैट इज जीआई ट्रैक, उसके अंदर जाता है और फूड का डाइजेशन होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? यस और यस मैम। नो? देन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स व्हिच देन पासेस इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज ब्लड, लिम्फ एंड आर टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कि खाने को तोड़ना उसके न्यूट्रिएंट्स के अंदर, उसके बाद वो ब्लड और लिम्फ जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरी बॉडी पार्ट के अंदर मूव करता है, उसके थ्रू होते हुए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचते हैं, ठीक है, जहां पर उनकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि बेटा देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सेल को वर्क करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। कभी कोई एंजाइम वर्क कर रहा है उसे मैग्नीशियम चाहिए, किसी को आयरन चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन चाहिए। तो अगर हमारे अंदर हम लोग जो खाना खाएंगे आयरन की कमी होगी, अगर आयरन ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, समझ रहे हो ना? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन करिए, व्हाट इज दिस डाइजेस्टिव सिस्टम? हो गया नोट डाउन सबका? यस, नोट डाउन हो गया सबका? यस और नो? यस मैम। ओके, देन फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजेशन ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, ब्रेक डाउन करना फूड का न्यूट्रिएंट के अंदर, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करवाना ब्लड स्ट्रीम के अंदर, रिड द बॉडी ऑफ अनडाइजेस्टेड रिमेन्स।
और बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसको बाहर फेंकना, ठीक है। देर आर फोर स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इंजेशन इज टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग इन न्यूट्रिएंट बाय सेल्स, इजेशन इज रिमूविंग मैनी लेफ्ट ओवर वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। डाउन करिए बेटा, देर आर फोर स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इजेशन मतलब जो बच गया उसे बाहर फेंकना। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। यस मैम। नाउ एक एक करके हम आप डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सेलिवरी ग्लैंड होता है, टीथ होता है, टंग होता है और पैलेट होता है ना। माउथ क्या है? टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉल पीसेस। टीथ होते हैं इसमें जो कि मैकेनिकली खाने को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ते हैं। टंग क्या करती है? मिक्स करती है फूड को सलाइवा के अंदर, जिसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। देन एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द बैक ऑफ द थ्रॉट, जो क्या करता है, दैट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के ऊपर होता है और क्लोज करता है ट्रैकिया को और प्रिवेंट करता है कि फूड हमारे ट्रैकिया तक ना पहुंच सके, ठीक है। समझ में आया? समझ आया सभी को? यस और नो? यस मैम। ठीक है। देन पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम, टीथ, सेलिवरी ग्लैंड, टंग और पैलेट बताया था, है ना। टीथ का क्या काम है? खाने को तोड़ना, छोटे छोटे पीसीज में उसको ग्राइंड करना। सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। टंग का क्या काम है? हेल्प्स टू पुश फूड इनटू द इसोफेगस, फूड को इसोफेगस में पहुंचाना। अब सबसे पहले टीथ। टीथ बेटा चार तरीके के होते हैं, इनसीजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनसीजर ये जो आगे वाले होते हैं, इसके साइड वाले कैनायन, उससे और साइड वाले जो होते हैं दैट इज प्रीमोलर, और कोने वाले जो होते हैं दैट इज मोलर, ठीक है। इनसीजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। जो आगे वाले होते हैं इनसीजर, इनका काम क्या होता है? बाइटिंग एंड कटिंग, है ना। हम लोग जैसे कोई भी खाते हैं, सपोज कर हम लोग सेब खा रहे हैं, आगे से खा रहे हैं, तो उसका क्या काम है? बाइट करना उसको, है ना, बाइटिंग एंड कटिंग।
कैनाइन का क्या होता है, ग्रेस्पिंग एंड टीयरिंग, ठीक है, ग्रेस्प करना और टीयर करना, फाड़ना उसको. देन प्रीमोलर इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं, और मोलर भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का करते हैं. देखो इनके शेप्स के अंदर डिफरेंस है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो. The tongue is not only one muscle. It is a group of muscle. It is also what we use to taste food with. ठीक है, टंग सिर्फ खाने को ही पीछे नहीं पहुंचाती है, टेस्ट पैथलेज भी होते हैं इसके ऊपर, ठीक है. और ये सिर्फ एक मसल नहीं है, हम सोचे कि टंग एक मसल है, नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ मसल्स. देन कैन यू रियली स्वेलो योर टंग, एक्सप्लेनेशन उसका, नो. You cannot swallow your tongue. अपनी टंग को तो तुम निगल नहीं सकते हो ना. The reason is because of thin layer of tissue that connect your tongue to the bottom of your mouth. That is known as frenulum. जो तुम्हारा जो टंग है वो नीचे से माउथ से कनेक्ट होता है ना, तो उस टिश्यू को हम बोलते हैं frenulum. वरना क्या होगा, टंग भी अंदर चली जाएगी, टंग को भी निगल सकते हो, है ना, बट नहीं निकल सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे माउथ से अटैच है. Your tongue is attached to front and side of the pharynx. और कहाँ से अटैच होती है, pharynx के फ्रंट से और साइड से, ठीक है. Then anatomy of tongue, क्योंकि इसके ऊपर बेटा टेस्ट बड्स होते हैं, पैपिलेज होते हैं, टेस्ट पैपिलेज होते हैं, ठीक है. This is your epiglottis. This is your palatopharyngeal arch. This is your palatine tonsil. This is your lingual tonsil. This is your palatoglossal arch. This is your sulcus terminalis. और यहाँ पर होते हैं circumvallate papillae, जिसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे dorsum of tongue की तरफ, उसके अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं filiform papillae, fungiform papillae. तो ये सारे के सारे papillae होते हैं बेटा जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं. कौन कौन से, filiform, फंगीफॉर्म जो आगे की तरफ होते हैं, और सरकम वेलेट पीछे की तरफ होता है, सल्कस टर्मिनालिस की तरफ. दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को, यस और नो? दिख रहा है सभी को? यस मैम. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? यस मैम. नाउ टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बिटर, कड़वा, सॉल्ट, सॉर, स्वीट एंड उमानी टेस्ट, ठीक है. टेस्ट में भी डिस्क्राइब बाय एसोसिएशन विद पर्टिकुलर फूड, एक पर्टिकुलर फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि टेस्ट खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, उमानी है. सॉल्टी है, कैसा है, ठीक है. ठीक है, मीठी, मिंटी, फ्रूटी, कैसा टेस्ट है वो पर्टिकुलर खाने पे डिपेंड करता है. इंटेंसिटी कैन ऑल्सो भी रिकॉर्डेड, इंटेंसिटी को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, चिडार. व्हाट इज दिस उमानी टेस्ट? उमानी इज सेवियरी टेस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ टेस्ट. इट इज सबटाइल टेस्ट एंड ब्लेंड वेल विथ अदर टेस्ट. ये क्या होता है, अदर टेस्ट के साथ वेल ब्लेंडेड होता है, ठीक है. इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर किकुमे लिकिडा टोक्यो एम्पेरिकल यूनिवर्सिटी में, जापान में, इन 1908 में. ही अंडरटुक रिसर्च इनटू दशी. दशी एक ट्रेडिशनल जापानी स्टॉक होता है जो बना होता है कंबू से, कैल्प से, ठीक है.
ओमानी हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेवियरी टेस्ट, ओमानी का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है, ठीक है, जो एसोसिएटेड होता है सड़े हुए टमाटर और सड़ी हुई चीज से, ठीक है, सड़े हुए टमाटर और चीज से एसोसिएटेड होता है, क्लियर है। नाउ अगर तुम अपनी टंग पे देखते हो मिरर के अंदर, यू कैन सी रेज्ड एरियाज, तुम्हें एक दाने दाने से एरिया दिखते हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर कॉल्ड पेपिलाए और इन्हीं के ऊपर होता है टेस्ट बड्स, ठीक है। थ्री डिफरेंट पेपिलाए जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड वैलेट पढ़े थे ना, यहाँ देखो वैलेट ऊपर ऊपर थे, किसके पास, सल्कस, सल्कस टर्मिनलिस के पास, उसके नीचे, ठीक है। तो जो फंगी फॉर्म होता है वो क्या होती है, लार्जर वन होते हैं और लोकेटेड होते हैं इन फ्रंट ऑफ द टंग। फिलीफॉर्म क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये भी फ्रंट में होते हैं, और वैलेट क्या होते हैं, लार्जर वन इन द बैक, बैक के अंदर होते हैं, और ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं और 8 से 10 होते हैं ये, ठीक है। पेपिलाए के बेटा दो पर्पस होते हैं, ग्रिप द फूड एंड विद द टेस्ट बड, उनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, मैंने बताया था ना पेपिलाए के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, तो खाने को ग्रिप करके रखना और टेस्ट बड, ये दो काम है इसके, ठीक है। इसको टेस्ट ऑफ द फूड भी बोलते हैं, किसको, पेपिलाए को। देखो स्वीट एंड सॉर आगे है, बिटर थोड़ा पीछे है, स्वीट और सॉल्टी आगे है, बिटर पीछे और सॉर उसके पीछे, एक यंगर पर्सन और एक ओल्डर पर्सन के बेटा टंग के अंदर डिफरेंस होता है टेस्ट के अंदर, ठीक है। एक यंगर पर्सन और एक ओल्डर पर्सन के टेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, सॉरी टेस्ट में नहीं, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर बिटवीन अ यंगर पर्सन टंग एंड ओल्डर पर्सन टंग, क्या डिफरेंस होता है एक यंगर पर्सन की टंग का और ओल्डर पर्सन की टंग का। हाउ डज दिस अफेक्ट द सेंस ऑफ टेस्ट, ये कैसे टेस्ट को चेंज करता है। आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे के टेस्ट में और बड़ों के टेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क होता है। यंगर पर्सन के अंदर क्या होती है, ज्यादा टेस्ट बड होती है देन अ ओल्डर पर्सन, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं और जो यंग होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है टेस्ट में, है ना। यंग वालों में ज्यादा टेस्ट बड्स होते हैं, उन्हें ज्यादा टेस्ट आता है, और ओल्ड वालों में इतने सारे टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, ठीक है। दो गुना टेस्ट बड्स होते हैं उनमें इसकी कंपैरिजन। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज एज ए पर्सन गेट ओल्डर द टेस्ट सेल डोंट गेट रिप्लेस्ड, टेस्ट सेल जो होते हैं वो रिप्लेस नहीं होते हैं लाइक दे डू व्हेन दे आर यंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, समझ आ रहा है सभी को, यस और नो। नाउ सो कैन यू एक्चुअली सी टेस्ट बड विद योर नेक्ड आइज, नो, क्या तुम देख सकते हो टेस्ट बड ऐसे नॉर्मली आंखों से, नो। यू कैन सी द पैपिला, हम लोग क्या देख सकते हैं, सिर्फ पैपिला देख सकते हैं, वो जो हमें दाने दाने से दिखते हैं दैट इज पेपिला, और पेपिला के अंदर होते हैं टेस्ट बड, ठीक है, और उसमें 100 रिसेप्टर्स होते हैं एंड अबाउट 100 रिसेप्टर और टेस्ट सेल होते हैं जो बनाते हैं, विच टेस्ट सेल मेक अप ईच टेस्ट बड, ठीक है, हर एक टेस्ट बड को बनाते हैं वो। तो पेपिला के ऊपर टेस्ट बड होती है, उसमें क्या है टेस्ट सेल्स है, बहुत सारे टेस्ट सेल्स होते हैं, 100 के करीब होते हैं, 100 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हमें फील होता है, ठीक है। सो एक्चुअली सो यू कैन एक्चुअली सी मैनी इन वन पेपिले, एक पेपिलाए के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, यू कैन सी टेस्ट बोर टेस्ट बड्स, ओके।
तो माउथ क्लियर है. एक चीज रह गई इसमें, पैलेट. पैलेट जो होता है वो रूफ ऑफ द माउथ होता है, और ये दो उसमें डिवाइडेड होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट. जो एंटीरियर होता है आगे की तरफ होता है दैट इज हार्ड पैलेट, एंड पोस्टीरियर जो होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम. नेक्स्ट वन इज योर फैरिंग्स. ठीक है. The tongue pushes the food around until it form a bowl. ठीक है. टंग क्या करता है? पुश करता रहता है फूड को चारों तरफ जब तक कि वो एक बोल की फॉर्म में ना बन जाए, दैट इज बोलस. द बोलस इज पास टू द फैरिंग्स. थ्रॉट से पास होता है बेटा बोलस. एंड द एपिग्लॉटिस मेक श्योर द बोलस पासिस इन टू द ईसोफेगस एंड नॉट डाउन द विंड पाइप. फूड पाइप के अंदर ही वो पास हो, विंड पाइप के अंदर ना पास हो, इस बात का ध्यान कौन रखता है? हमारा एपिग्लॉटिस. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? फूड बोलस की फॉर्म में मतलब बेटा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है. ठीक है. हाँ, एक चीज और हम क्लियर करना भूल गए सलाइवा के बारे में. सलाइवा क्या होता है? एक वॉटरी सिक्रीशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, है ना? सलाइवा हेल्प. और ये किसके थ्रू सिक्रेट होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होता है, है ना? चार तरीके की सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे टंग. ठीक है. सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? सलाइवा हेल्प प्रिवेंट द डिटोरिएटिव प्रोसेस इन द माउथ इन सेवरल वेज. ठीक है. सलाइवा हेल्प करता है कि डिटोरिएटिव खराब करने का, जो खाने को खराब करने का हमारे मुंह के अंदर प्रोसेस को बचा के रखे, हमें हमारा उससे बचाव करता है, खाने को सड़ने नहीं देता हमारे मुंह में. क्या करता है? कैसे कैसे करता है डिटोरिएटिव प्रोसेस से हमें बचाव कैसे करता है? ये क्या करता है? फूड को मॉइस्ट करता है, डाइजेशन स्टार्ट करता है, सॉल्ट एपेटाइट को एडजस्ट करता है, और फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प वॉश अवे पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक बैक्टीरिया को वॉश अवे करता है. क्लियर है? क्लियर है? यस और नो बेटे? यस और नो? क्लियर है? सलाइवा का फंक्शन एवरीवन? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट वन इज योर ईसोफेगस. सलाइवा के माउथ के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस. ठीक है. ईसोफेगस क्या है? तुम्हारी एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके थ्रू फूड हमारा पास होता है माउथ से कहाँ पे? स्टमक के अंदर. जैसे ही तुम चबाते हो तुम्हारा टंग हेल्प करता है उस फूड को एक मास बनाने में, मोल्ड करने में, बोलस बनाने में. उसके बाद तुम उसको कहाँ पे पुश कर देते हो? मुंह के अंदर पुश कर देते हो उसको पीछे, है ना? ठीक है. जब तुम निगलते हो बोलस एंटर करता है एट द टॉप ऑफ द ईसोफेगस. ठीक है. ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस लाई नेक्स्ट टू द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. ठीक है. विंड पाइप से पीछे होती है ईसोफेगस. टू प्रिवेंट, और ओपनिंग भी पहले विंड पाइप आ रहा होगा फिर वो जाएगा. टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग डाउन इन अ राइट ट्यूब. कौन प्रिवेंट करता है हमें? एपिग्लॉटिस. ठीक है. क्लियर है यहां तक सबको? यस मैम.
अब ये जो बोलस है इसोफेगस के अंदर जा रहा है, ये कौन सी मूवमेंट के थ्रू जा रहा है? पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टेलेसिस होता क्या, ये आप ऊपर देख सकते हैं वेव बनी हुई है ना, इट इज अ वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इट इज द वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट पुश द बोलस डाउन टुवर्ड द स्टमक। जो क्या कर रहा है, उस बोलस को स्टमक के अंदर डाल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है ना, आप देखिए इसके अंदर, ये देखो ये जो गोला गोला है दैट इज बोलस है यहाँ पे, और नीचे कॉन्ट्रेक्शन हो गई, फिर ऊपर की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये गोला गोला नीचे पुश करेगा, तो दैट इज पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट। मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दीज आर द पेरिस्टेलेसिस वेव्स। देखो नीचे स्टमक बना हुआ है, ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा नीचे आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर स्टमक में जाएगा। क्लियर है सबको? वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव फूड। क्लियर है सबको? क्लियर है, यस और नो? यस मैम। टू एंटर द स्टमक द बोलस मस्ट पास थ्रू इसोफेगल स्पिंचर। जो इसोफेगस स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है ना, वहां पे एक गेट सा बना हुआ है, दैट इज नोन एज इसोफेगल स्पिंचर, ठीक है। ये क्या है, एक टाइट मसल है, एक टाइट सी मसल है, जो क्या है, कीप स्टमक एसिड आउट ऑफ द इसोफेगस, जो उस एसिड को इसोफेगस से बाहर रखती है, वरना क्या होगा, स्टमक का एसिड जो होता है, अगर ये स्पिंचर नहीं होगा तो फटाफट इसोफेगस में आ जाएगा, इसोफेगस से तुम्हारे मुंह में आ जाएगा, माउथ में आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है, दैट इज नोन एज स्पिंचर। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस और नो? यस मैम। ओवर हियर द इसोफेगल स्पिंचर एसिड से बचा रहा है ना, देखो एसिड ऊपर नहीं जा रहा है, येलो येलो इज द एसिड, तो इसोफेगस, इसोफेगस स्पिंचर, और रगे स्टमक पायरोलिक स्पिंचर, तो पायरोलस के अंदर जब पायरोलिक पार्ट के बाद होगा स्टमक का। अब हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे ना इसका। स्टमक हैज पोर्स कॉल्ड एंड इज बिग मस्कुलर पाउच। स्टमक क्या है, एक बड़ा मस्कुलर पाउच है जो बोलस को टर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक बड़ा मस्कुलर पाउच है, इसके अंदर फोल्ड्स होती है, और ये क्या कर रहा है, उस बोलस को किस में टर्न कर रहा है, मिक्स कर रहा है गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, ए मिक्सचर ऑफ स्टमक एसिड म्यूकस एंड एंजाइम, ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो स्टमक क्या है, एक बिग पाउच है, has fold called and is a big muscular pouch which turns the bolus, जो bolus को आगे पहुंचा रहा है, and मतलब turn कर रहा है, and mix कर रहा है इसको gastric juice के साथ, जिसके अंदर acid है, enzymes है, acid है, enzymes है, and acid है, enzymes and mucus है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? यस मैम।
देन एसिड क्या करता है, किल करता है बहुत सारे कोई बैक्टीरिया वायरसेस अगर हमारे खाने से पेट में आ जाए उसे एसिड किल करता है। एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता यहाँ पे। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द एसिड। अब पेट के अंदर एसिड है वो तो बाहर के सेल को भी तो खराब कर सकता है, तो उसमें क्या होती है म्यूकस की लेयर होती है पेट में जो उन सेल को उस एसिड से गलने से बचाती है, ठीक है। देन द स्टमक डज डू सम एब्जॉर्प्शन टू, स्टमक क्या करता है कुछ एब्जॉर्प्शन भी कराता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन, वाटर एंड अल्कोहल, ये सारी की सारी चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। बाकी जो खाना वाना होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत होता है, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। द डाइजेस्टेड बोलस, उसको अब हम क्या बोलेंगे, काइल, ठीक है। और ये स्टमक को छोड़ के कहाँ जाएगा, इट लीव द स्टमक बाय पासिंग थ्रू पायरोलिक स्पिंचर, उसके बाद वो क्या करता है पायरोलिक स्पिंचर के थ्रू आगे पहुंचता है, क्योंकि स्टमक जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। यू कैन सी ओवर हियर फंडस, रगे क्या होते हैं इसमें फोल्ड होते हैं, बॉडी और पायरोलस, फंडस बॉडी पायरोलस, पायरोलस के आगे क्या स्टार्ट हो जाता है ड्यूडोनम स्टार्ट हो जाता है, पायरोलस के आगे ड्यूडोनम स्टार्ट होता है, ठीक है। और हाँ पायरोलस के आगे क्या स्टार्ट होगा, ड्यूडोनम स्टार्ट होगा, वहां पर भी एक स्पिंचर लगा हुआ होता है, स्पिंचर मतलब गेट लगा हुआ होता है, ठीक है, जो फूड को फिर इसमें डालता है ड्यूडोनम के अंदर, तो पायरोलिक स्पिंचर लगा होता है वहां पे, ठीक है। काइम इज नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वो कहाँ पहुंच गया काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। लीवर एंड पेंक्रियाज हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रेक डाउन इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडोनम, इलियम एंड जिजेनम, ठीक है। ड्यूडोनम क्या है, द ट्यूब दैट रन फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडोनम क्या है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ड्यूडोनम एक ट्यूब है जो रन करती है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। यू कैन सी ओवर हियर समझ आ रहा है, देख लिया डायग्राम सभी ने, देखिए ड्यूडोनम का डायग्राम सभी, ड्यूडोनम कैसा होता है।
ठीक है बेटा। देन जिजेनम, जिजेनम क्या है? जब मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। नाउ इलियम द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम। ये क्या करता है? कॉम्पैक्ट करता है लेफ्ट ओवर टू पास थ्रू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी बचा हुआ होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास करता है। ठीक है, अब ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है और लार्ज इंटेस्टाइन है, वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। क्लियर है सभी को? यस मैम। आज का सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ बेटा ये वाला सेशन? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। चार प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इजेशन क्या होता है? बाहर निकालने का प्रोसेस, है ना? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? रिप्लाई करो बेटा, यस और नो। यस मैम। यस मैम। ओके।